ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਮਾਰੋ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਕਰਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੱਤ ਕਰ ਦੇ तेरे पिछले साल किए इन्ने ज्यादा किए छे सात बारी अपने दवाई पाओ नाले इतने राइट राइट कैट राइट प्लस आओ गिद्ध तो नहीं आ रही गिद्ध तो नहीं बिल्कुल नहीं आई ना सवेरे जोड़ी तो नहीं आई सर दवाई शुरू करो तो फाइल बनाओ अपनी ठीक है पहला पर्चे उतर जाओ पहला चेक करो आप का योजना स्टेप है पापा का नाम पास्टर बीपी चेक करके स्लिप नाल ही दे जानी उथे बाथरूम दे उथे शुगर चेक होनी है शुगर तो नहीं है एकदम तो नहीं घटी देगा घर जाके दसो फिर जल्दी फाइल बनवा लो मैं तो बिना मर जाती हर घर आया मेरा नहीं है
वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज बड़ा ही सौभाग्य भरा दिन है कि साढ़े बुजुर्ग साढ़िया भैन साढ़े भरा जिहड़े इस वेले कैंप विच आ के बैठे हुए ने उन्हां दा मुआयना डॉक्टर अमनदीप सिंह ने शुरू कर दिता होया है और उम्मीद कर रहे हाँ कि वध तो वध लोग वध तो वध फायदा इस कैंप तो उठा सकणगे। अटकड़ फैमिली जुबल साहब के सहयोग के नाल कनेडियन ग्लोबल आईसाइट एसोसीएशन के नाल ये सारी दुनिया के उपराला कर रहे हैं कि वध तो वध लोगों को अखां की रोशनी मुहाला की जा सके और ये रोटरी क्लब जलंधर वैसट को भी जोड़िया गया है। अज तक असी जिन्हें भी कैंप लगाए हैं उन्होंने तकरीबन 1000 ऑपरेशन हो चुका है और दाते दी परमात्मा की बड़ी मेहर रही है कि सारे ही ऑपरेशन कामयाब रहे हैं। अज नवांशहर तो आई द नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर श्री यशपाल जी साढ़े पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर एस पी एस ग्रोवर ये दोनों शख्सियत इस वेले साढ़े विच ने ते अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करनगे। पहला मैं डॉक्टर एस पी एस ग्रोवर जो साढ़े डिस्ट्रिक्ट के पास गवर्नर भी ने उन्होंने माइक देना हाँ ते उन्होंने अपनी दो गल साझिया करना चाहता। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ग्रोवर साहब नवांशहर तो पहुंचे यशपाल जी और सरदार गुरनाम सिंह मनजीत कौर जी शिंगारा सिंह जी तो होर पतवत के सज्जन रोटरी क्लब जलंधर वैस्ट के प्रधान हरप्रीत गोल्डी पास्ट प्रधान डॉक्टर पठानी सैकटरी मनजीत सिंह डायरैक्टर डॉक्टर अमनदीप तो होर साथियों ये जड़ा असी कैंप लगा रहे हैं ये कनेडियन आईसाइट ग्लोबल कोऑपरेशन के नाल है तो जुबल साहब ने खास तौर पर एक सारे वास्ते मैसेज भेजा है। उन्होंने इस कैंप के लिए शुभकामनावां भेजिया ने और जिन्होंने स्पॉन्सर किया सरदार गुरनाम सिंह मनजीत कौर इन्हों का बहुत ही तह दिलों धन्यवाद भेजा। इन्हों की मदद के नाल ही ये कैंप अज इत्थे लगा है तो परमात्मा की कृपा नाल कामयाबी होएगा और जो जुबल साहब का टीचा है कि दुनिया के हर कोने में जिथे भी एक छोटा जिहा उपराला करके एक ऑपरेशन की मदद नाल लोग अन्ने होने तो बच सकते हैं वो सारी दुनिया में किया जाए। उन्होंने हुण तक मेरा ख्याल है कि 50,000 तो उपर ऑपरेशन करवा चुके हैं और अमृतसर के तरन तारण के कोल एक आई हॉस्पिटल भी बनया उत्थे एक वैन भी है जिहड़ी कि वख वख जगह पर जाके जिदे विच ऑपरेशन थिएटर का समान है अख चेक करन का समान है वो वैन भी उत्थे भेजी जाती है कि जुबल साहब का जो ये उपराला है सारी दुनिया के विच एक इस गल नूं फैलाण का जिहड़ी अवॉइडेबल ब्लाइंडनैस है जिहड़ी ब्लाइंडनैस तो बचा जा सकता उसका इलाज कराया जाए। ये वो सारे डॉक्टर पठानी ने दसिया कि हाडे रोटरी क्लब जलंधर वैस्ट नाल उन्हां दी खास तौर पर सांझ है और वो जलंधर के लागे नहीं हुशियारपुर ईवन कई तरन तारण के मोगे तक भी साढ़े क्लब के मैंबर ऑपरेट करके आए हैं और इस मैं खास तौर पर बधाई दिना डॉक्टर अमनदीप सिंह
इन्हों को जो असं कही भी तुम लुधियाने जाना है तो रायकुंड जाना है मोगे जाना है उत्थे जाके भी इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। सो इन खास तौर पर बधाई के पात्र ने और शलाघा के पात्र ने कि कभी भी ना नहीं करते। कई बार तो इस तरह भी होया भी साढ़े क्लब का मैंबर कोई वर्किंग डे करके पहुँच नहीं सकया है अपनी टीम लैके पूरे ऑपरेशन करके है जिदा पिछले 13 तरीक न अजे कैंप लगाया 3 तरीक न वर्किंग डे सी कोई भी सर्जन नहीं पहुँच सकिया पर इन्होंने उत्थे जाके 300-400 पेशेंट देखिया और 55-60 ऑपरेशन किए। सो ये टीम वर्क है एक सारे का साझा उपराला है। जे असी कल्ले जाने सोचिए भी कल्ला साडा रोटरी क्लब जां कल्ला आईसाइड ग्लोबल जां कल्ले कोई बंदा इंसान नहीं कर सकता। सो सारे रल के असी काम करते हैं तो परमात्मा की मेहर भी रहती है। तो मैं फिर एक बार रोटरी क्लब जलंधर वैस्ट जुबल साहब वालों तुहाडे सारे का धन्यवाद करता कि तुसी कैनेडा तो आके अपने पिंड की इन्नी ज़्यादा केयर करते हो और ये अपनी धरती माता नूं तुसी नहीं जिहड़ा भुले बाहर जाके ये खास बधाई दे पात्र हो। ये बहुत ही वड्डा तुहाडा शुक्रगुजार है जिहड़ा तुसी पे बैक कर रहे हो कि जिहड़ी धरती नूं तुसी बिलोंग करते हो उन्होंने तुसी इन्ने प्यार नाल इन्ने अपने तन मन धन दे नाल उहदी वापस सेवा कर रहे हो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डायरेक्टर आई एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन नवांशहर सरदार यशपाल सिंह जी हां नूं वो अपने चार लाइना तुहाडे नाल सांझियां करनगे। इस सौभाग्य समय दे विच पहुंचे रोटरी क्लब प्रेसिडेंट पास और अटकल परिवार जिन्हां दी मेहनत दे नाल जिन्हां दी एक परमपिता परमात्मा दे उत्ते एक अपार कृपा है उन्होंने अज इस बड़े ही अच्छे एक नेक कार्य वास्ते जो ये समा सुभागा चुनिया है। सब तो पहला तो मैं इस अटकल परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हाँ। जो तो मानव जीवन परमपिता परमात्मा की एक अपार कृपा होवे तां इंसान मानव जीवन मिलता और मानव जीवन प्राप्त करने तो बाद मानवता की सेवा ये सब तो वड्डा धर्म। असी सवेरे उठते हाँ रोज़ किसी न किसी रूप में अपने परम पिता परमात्मा ईश देवता याद करते हैं क्योंकि जी उसकी परमात्मा की होंद है वह सर्वव्यापक है और सारे असी उस तो हमेशा ही डर रखते हैं पैर रखते हैं। वो अदृश्य शक्ति जिदे एक बहुत बड़ी ताकत है वो इस करके ही असी उस परमात्मा मनते हैं कि वह डर भी रखते हैं कि सानू पता है कि जे असी इस धरती के उत्ते आके नेक कार्य करांगे तो वह अच्छा फल प्राप्त होएगा परिवार के सुख शांति से समृद्धि आएगी। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह उसका नतीजा जोड़ा है वह भी माड़ा है। सो अटकल परिवार ने मैं तो कहना हाँ कि इतनी मैं अच्छी खुशी हुई है कि अपने वतन को दूर हजारा मील दूर जाके भी इस वतन की मिट्टी इस वतन नाल प्यार ते मानवता की सेवा एक बहुत बड़ा शलाघा योग कदम है जो अटकल परिवार अपने बजुर्गों की याद के अज इतने दूसरा आई कैंप लगा रहा है और इस कैंप के जो कनेडियन आईसाइट ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और रोटरी क्लब का नाल जुड़ना ये सोने के 100 वर्गी गल हुई है। वैसे तो साडे देश दे विच बहुत सारिया ऐसिया समाज सेवी संस्थावां हन जिहड़ियां कि ये समाज सेवा के कार्य करते हैं पर रोटरी इंटरनेशनल की अपनी एक पहचान है अपना एक नाम है। कोई भी सेवा का कार्य होवे किसी भी तरह का होवे देश के किसी जुड़ के इंटरनेशनल लेवल के उत्ते भी ये रोटरी इंटरनेशनल जी है समाज सेवा के जोड़े कार्य की जुड़ी है। मैं रोटरी इंटरनेशनल के सारे इतने जोड़े भी मैंबर आए हैं मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देता कि आप जी ने अपना कीमती समा दे के अब इस पवित्र और नेक कार्य भी अपना योगदान दिता। इस अज नेत्रदान सेवा सुसायटी नवांशहर वो भी इतने इस करके हाजिर हुई है कि असी पिछले 5 साल तो साल 2006 तो एसोसीएशन बनाई है और असी सारे जिन्हें भी उस सेवा सुसायटी के मैंबर हाँ पिछले काफ़ी 25-30 साल तो वक् वक् सेवा सोसायटिया के नाल जुड़े हुए थी। साडे मन दे विच एक बड़ी एक पहला कोई सेवा की भावना है उस सेवा की भावना के नाल ही असी इस एक ये कार्य नूं चुनिया है वह है नेत्रदान जिउंदे जिउंदे खूनदान ते मरनो उपरांत नेत्रदान। एक मोटो लैके असी एक विषय लैके लोगों के विचरे हाँ तो सानू इस गल की बड़ी खुशी है कि मानवता की सेवा के इस पवित्र कार्य के सानू बड़ा ही भरवा हुंगारा मिलिया है। आज तो कुछ समय पहला एक सोच सी दे विच अगर नेत्रदान कर दिते जान तो इस दे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। ये 15-10 साल तो लग के मतलब
कोई भी अचानक जिसलिए कोई जीवन में कोई हादसा हो जाता है, कुदरती मौत हो जाती है और उस वेले नेत्रदान किए जाते हैं। नेत्रदान करन समय जिस भी प्राणी की मौत होती है उसके नेत्रों को अखों के नाल बंद कर दिया जाता है, तो रोई थोड़ी जी कॉटन लेके उसको गिला करके उसके नेत्रों से रख दिया जाता है। मरे हुए जिला लुधियाना के बड़ी ही फ्री सेवा कर रहे हैं और उन्होंने सेवावां के नाल जिहड़ा सहयोग के नाल कार्य चल रहा है। कोई पैसा खर्च नहीं आता, बिल्कुल फ्री सेवा की जाती है, कोई ऑपरेशन का खर्चा नहीं लिया जाता और उत्थे रहने वाले मरीजों को खाना पीना और उत्थे रहन सहन का पूरा प्रबंध बिल्कुल फ्री किया जाता है। नेत्रदान करिए तो हमारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतह। जिन्होंने इतनी विस्तारपूर्वक तुहानू सारयां नू जानकारी दिती है आई डोनेशन बारे, तो मैं उम्मीद करता हाँ भी तुसी सारे इन्हां तो प्रभावित हो के इस प्रोसैस तो प्रभावित हो के अपनी अखां दान करोगे, जो कि ताडे जान तो बाद उन्हां अखां नाल कोई दूसरा बंदा सारी जगत नू देख सकेगा। मैं डॉक्टर एस पी एस ग्रोवर डॉक्टर भटानी नू रिक्वेस्ट करांगा कि वो एक टोकन ऑफ लव जो कि रोटरी को जनरल वास्ते ग्लोबल आई साइट वालों देना है। मैं राघव नाम से नेक्स्ट अवतार सिंह अटकर शिंगारा सिंह मनजीत कौर जी, नीरज सिंह, ग्रंथी नीरज सिंह जी गए और उम्मीद है कि असं भी इन्होंने लगे तो एसोसिएट हो गए। हुण मैं अंत विच इत्थे आए हुए सारे सज्जणां दा अटकर फैमिली दा ਰਾ ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਗਰੋਵਰ ਡਾਕਟਰ ਪਟਾਨੀ ਦਾ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ टीके लगते होंगे वेस्टर्न करके ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ
ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ